नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करने वाले हैं हमारे टर्म नंबर 108 की, और ये है गाफा। गाफा एक्चुअली संक्षिप्त रूप है गूगल, एप्पल, फेसबुक, एमेजॉन जैसी विशालकाय या जाइंट टेक कंपनीज का, जिनका कि आज पूरी दुनिया में बोलबाला है। और मजे की बात यह है कि ये जो चारों टेक कंपनीज हैं ये अमेरिका की हैं। तो जहां एक तरफ अमेरिका में इनकी सराहना होती है और इन्हें इनके इनोवेशंस के लिए जो है अप्रिशिएट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर फ्रांस या फिर जो दूसरे यूरोपीय देश हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो गाफा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका का एक नया रूप है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का। अगर इन चारों बिग टेक कंपनीज की बात की जाए तो जो ये डिजिटल वर्ल्ड है उसे ये कंट्रोल करती हैं, और हम सोशल मीडिया पे किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट रिएक्ट करते हैं, हमारा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, हम किस तरीके से लोगों से चैट करते हैं, इन सारी चीजों पर, यहां तक कि हम किसे जो मेल भेज रहे हैं वो किस तरीके का मेल भेज रहे हैं, इसके अलावा हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफरेंसेस हैं वो क्या हैं, इन सब का इन्हें पता होता है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में इनका कंट्रोल है। और यही वजह है कि इनकी जो मोनोपोली है वो बहुत ज्यादा है इस डिजिटल वर्ल्ड में, और इसकी वजह से इसकी आलोचना भी होती रही है और इन पर आरोप लगते रहे हैं जो प्राइवेसी है उसके उल्लंघन के, डेटा मिसयूज का जो है वो इन पर आरोप लगता रहा है। इसके साथ ही साथ एंटी जो कंपटीशन बिहेवियर है उसका भी आरोप लगता रहा है, क्योंकि कारण यह है कि ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इनका नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इनके आगे जो छोटी टेक कंपनीज हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती हैं। तो यही वजह है कि 2019 में इन चारों विशालकाय जो ये टेक कंपनीज हैं उनके खिलाफ एक तरीके का एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी मानना है कि ये जो कंपनियां हैं इसलिए आज डिजिटल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में इनकी मोनोपोली चल रही है, क्योंकि ये अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट करती हैं, और इसी से उनको पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए और किस तरीके से उन्हें लोगों को एंगेज करना है। तो जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में, और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस मीडिया लिटरेट इंडिया मूवमेंट में हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।